बिहार में राज्य सड़कों के निर्माण में एक नया मोड़ आया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के परियोजना में बिहार ने एक नया कदम उठाया है। इस परियोजना के तहत भागलपुर तक की विस्तारित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की संभावनाओं का सर्वे कार्य तेजी से तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही बिहार के करीब डेढ़ दर्जन जिलों के साथ साथ गोरखपुर, सिलीगुड़ी और रक्सौल दिघवारा हल्दिया एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू हो जाएगी। यह सड़क प्रोजेक्ट राज्य की सड़क संचालन में महत्वपूर्ण कदम है और इनके निर्माण से सड़कों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार होगा। वहीं बिहार की राजधानी पटना में दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के लिए निर्माण एजेंसी का चयन तय होने वाला है और इसके निर्माण कार्य भी जल्द शुरू हो सकते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य के सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की मांग की है। वहीं आपको बताएं कि राजधानी पटना से राजगीर की दूरी अब महज एक से डेढ़ घंटे के बीच में तय की जा सकेगी। पथ निर्माण विभाग ने पटना से राजगीर तक के लिए नए 4-लेन हाईवे के निर्माण के लिए 868 करोड़ रुपए की योजना को अपनी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। पथ निर्माण विभाग की इस ग्रीनफील्ड सड़क से पटना में राजगीर की दूरी मात्र 75 किलोमीटर रह जाएगी। वर्तमान में यह 105 से 108 किलोमीटर के बीच है। पटना राजगीर हाईवे के बनने से राजगीर समेत राज्य के कई जिलों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह हाईवे बौद्ध सर्किट को जोड़ने वाला पर्यटन मार्ग हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के क्रम में नालंदा जिले में बैठक की थी। उसी में तय हुआ था कि नालंदा के नूरसराय, अहियारपुर, सिलाव होते हुए NH-82 सालेपुर से राजगीर तक 4-लेन का हाईवे बनाया जाएगा। तो वहीं अभी पटना से राजगीर जाने के लिए 2 से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता पटना से बख्तियारपुर बिहार शरीफ होते हुए राजगीर जाने का है, तो दूसरा रास्ता पटना से फतुहा दनियावा होते हुए राजगीर जाने का है। इसके अलावा पटना से गया होते हुए भी राजगीर पहुंचने का विकल्प है, जिसका उपयोग कम ही होता है। जिस चौथे नए रास्ते को 4-लेन के रूप में विकसित किया जाना है, वह पटना के करौटा स्थित जगदम्बा स्थान से शुरू होगा। यह 4-लेन सड़क होगा। वहां से दक्षिण तेलमर के रास्ते यह सड़क नरसंडा से सालेपुर तक जा रही है। यह 22 किलोमीटर सड़क है। इस सड़क के निर्माण का मामला चल रहा है, जमीन अधिग्रहण भी अभी चल रहा है। वहीं सालेपुर से राजगीर के बीच की दूरी 20 किलोमीटर के करीब है। इसे ग्रीनफील्ड 4-लेन के रूप में विकसित किए जाने को लेकर 868 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 3 फ्लाईओवर व 70 के करीब छोटे पुल, पुलिया व कलवर्ट का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। आपको बताएं कि साल 2023 से 24 में इस सड़क के 40% काम को पूरा करना है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 80% तक काम को पूरा खत्म करना होगा। वहीं 2025 से 26 में इस सड़क का उद्घाटन किया जाना है।